अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को एक चीज ध्यान में रखनी है कि उन्हें मुझे टाइम देना है टिल आई एंड, मुझे जब तक मैं कंप्लीट ना कर लूँ। आप लोग अपने सवाल जो भी हैं वो नोट करते जाएं, और एंड के ऊपर आप लोगों ने मेरे से कम्युनिकेट करने हैं, जो भी आप लोगों के सवाल होंगे वो आप लोग मेरे से पूछ सकते होंगे, ठीक है। तो तब तक आप लोगों ने पेशेंस के साथ देखना है कि इसमें आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इस कोर्स में हम क्या करने वाले हैं, तो आप लोगों ने तब तक के लिए वेट करना है। और चाहे वो फेसबुक लाइव है चाहे वो जूम पे स्टूडेंट्स हैं, मैं सबके क्वेश्चंस को आंसर जरूर करूंगा, बट आई प्रेफर कि मुझे पहले कंप्लीट करने थे। आज जो ओरिएंटेशन क्लास है वो है बिकम अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर एंड वर्क फ्रीलांस। हमारा अल्टीमेट गोल है कि वी हैव टू वर्क फ्रीलांस, हमें फ्रीलांसिंग करनी है, हमें कुछ अर्न करना है, और हमें अपने आप को तरह से केपेबल करना है कि हम उसको चीजों को लेके चल सकें उसी वे में। सो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना नाम, क्वालिफिकेशन, बैकग्राउंड, और ये कोर्स कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या गोल है इसके पीछे, वो प्लीज़ ज़रूर मेंशन करें और चैट में मेरे साथ कम्युनिकेट करें। अगर आप लोग कम्युनिकेट नहीं करेंगे, हेजिटेट करेंगे, तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम है, ठीक है। मैंने यहाँ पर कैमरा भी ऑन कर दिया है ताकि एक हमारा वर्चुअल जो है वो चीज़ रहे, ताकि आप लोग को एहसास रहे कि यू आर इन अ क्लास, ठीक है। नेक्स्ट मैं फिजिकल स्टूडेंट से चाहूंगा कि वो अब अपना इंट्रोडक्शन वन बाय वन करवाएं और फिर हम इसको स्टार्ट करें। आपसे शुरू करते हैं, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा और इसको कंप्लीट करें। ऊंचा ऊंचा सामा बीएसआईटी कर स्कूल में जरा एसी की आवाज थोड़ी सी, बिल्कुल ठीक है। और ये क्यों कर रहे हैं, इंटरेस्ट है इसमें? और बीएसआईटी कहां से कर रहे हो? और ग्राफिक डिजाइन कहाँ से मिलता है? बेहतरीन जी, इंटरेस्ट है, बिल्कुल ठीक जी भाई। बेहतरीन बेहतरीन सर, ये मैंने इसके यूज के लिए पार्ट ऑफ मटेरियल सर, ये कहां पे है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। मेरा नाम सीम सर जी, वैसे आईसीएस ये कैसे? बेहतरीन इंटरेस्ट का ग्राफिक डिजाइन। अच्छा, इसके अंदर मॉड जी वैसे बेहतरीन, इसमें है इंटरेस्ट, ठीक हो गया। और ये इंटरेस्ट कब तक रहेगा हमारा? जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए। अच्छा, नॉर्मली थोड़ा सा ऑपोजिट होता है, जब हम पे प्रेशर पड़ता है इंटरेस्ट भी यूज कर जाता है, ठीक है जी। बेहतरीन, इसमें इंटरेस्ट है। मुझे मतलब मेजॉरिटी ने ये कहा कि इंटरेस्ट है, विच इज़ गुड सो फार, और मेरे ख्याल में हमें इस चीज़ को कंसिडर कर भी करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखें कि ये आज है फर्स्ट ओरिएंटेशन क्लास। ओरिएंटेशन क्लास इज़ अ ओवरव्यू ऑफ द कोर्स कि हम इस 2 महीने में क्या करने वाले हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि पहले दिन आप लोगों का इंटरेस्ट लेवल एज एन एनर्जी, सीखने की एनर्जी बहुत हाई होती है। मैं शायद ये कहूँ कि अल्फा टावर पे टोटल 18 फ्लोर है, उस 18 फ्लोर से शायद ऊपर ही है एनर्जी लेवल। और जो ये मैं बात कर रहा हूँ कि इंटरेस्ट हमारा गिर जाता है जब हम पे प्रेशर पड़ता है, जो मैंने आपके लिए, नॉट स्पेसिफिकली फॉर यू, दिस इज फॉर एवरीवन, ये हर किसी के लिए, कि हमारा वो लेवल गिर जाता है, मोटिवेशन खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी बहुत ही अनरियलिस्टिक अप्रोच है टूवर्ड्स फील्ड, टूवर्ड्स करियर, क्योंकि हम लोग शायद लोगों की बातों को ज्यादा अहमियत देते हैं। उसने कहा था, अब्बू के दोस्त ने कहा था, फलाने ने कहा था, तो हम ये कर रहे हैं। और या हम किसी फ्रीलांसर को आइडियलाइज कर लेते हैं जो हमारे फ्रेंड सर्कल में या फैमिली सर्कल में हो, और वो शायद मंथली 1 लाख रुपया कमा रहा हो या 50,000 रुपया कमा रहा हो, तो वो हमारा रोल मॉडल बन जाता है। कि और हमें लगता है कि वेरी नेक्स्ट मोमेंट जब ये कोर्स खत्म होना है तो डॉलर्स की बारिश होना शुरू हो जाएगी, हम भी 1 लाख रुपए कमा लें।
जबकि ऐसा नहीं है, ये शायद इतना इजी नहीं है, ठीक है। तो खैर फ्रीलांस तो डेफिनेटली हमारा अल्टीमेट गोल है, हमने काम करना ही है, लेकिन उस तक उस लेवल तक पहुंचने के लिए एक स्ट्रगल है, एक कोशिश है, जो सिर्फ मेरी कोशिश नहीं है, वो आप लोगों की भी है। मैं जादूगर नहीं हूं, मैं जादू नहीं सिखा रहा और ना आप सीखने आए, ठीक है। मैं आपका हाथ पकड़ के किसी भी करोड़ रुपए के बैग के पास लेके नहीं आ सकता कि जी इसमें पैसे पड़े हैं निकाल दो, नॉट पॉसिबल, रियलिस्टिक नहीं है। और रियलिस्टिक में एक चीज और भी नहीं होती हमारे पास, मैट्रिक कर लो उसके बाद सुकून है, इंटर कर लो उसके बाद सुकून है, एंड सो मच सो आप लोग माशाल्लाह कुछ लोग ग्रेजुएशन में भी हैं, कुछ कर चुके हुए हैं और कुछ आ रहे हैं, तो वो सुकून किस हद तक है वो आप लोग मेरे से ज्यादा बेहतर आइडेंटिफाई करते हैं कि कितना सुकून है और कितना नहीं है। हर स्टेज एक एक्सटेंसिव है। नॉर्मली ग्राफिक डिजाइन को बहुत ही पीस ऑफ केक समझा जाता है, यार इसको हम कर लेंगे तो आ जाएगा। डिजाइनर में और ऑपरेटर में फर्क है, या आपने चूज करना है कि आपने डिजाइनर बनना है या ऑपरेटर बनना है, क्लियर। तो ये बहुत सिंपल सी चीज है, एफर्ट है इसके पीछे, और इस एफर्ट ही को समझाने के लिए मैं एज अ मेंटर आप लोगों को लेके चलूंगा, एज अ ट्रेनर आप लोगों को लेके चलूंगा। आप लोग ये सीखने के बाद भी तो कोई इंटर्नशिप ढूंढेंगे, तो कंसिडर कर लें यू आर इन इंटर्नशिप जिसमें हमारा 2 days इंटरेक्शन है, और आफ्टर दैट 2 days द रेस्ट ऑफ द 5 days यू नीड टू वर्क, आपको प्रैक्टिस करनी है। ये कोर्स डिस्कशन पे बेस कर रहा है, किस पे बेस कर रहा है, आप लोगों के सवालों के ऊपर बेस कर रहा है, और वो सवाल कब होंगे जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जब प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो सवाल कहां से होंगे, जब काम ही नहीं करेंगे तो सवाल कहां से होंगे, वो सवाल नहीं होंगे। तो ये कोर्स किस पे बेस कर रहा है, डिस्कशन के ऊपर, ठीक है। इसका ताल्लुक एकेडमिक से नहीं है, इसका ताल्लुक एकेडमिक से नहीं है, एकेडमिक्स एक और चीज है, स्किल एक और चीज है, एकेडमिक्स किताबी बातें हैं, यहाँ पे हमारे पास मोर प्रैक्टिकल वर्क, हमारे पास यहाँ पे क्या है, ज्यादा प्रैक्टिकल वर्क है, हमें परफॉर्म करना है, हमें किताबों से नहीं पढ़ना। तो उस परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एक एजेंडा होना चाहिए, एक डायरेक्शन होनी चाहिए और एक मोटिवेशन होनी चाहिए जो हमें होल्ड करके रखनी है टिल द एंड ऑफ द कोर्स, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए। आप लोगों ने क्लास हमेशा लेनी है, फिजिकल या ऑनलाइन, मतलब इन वर्स्ट केस सिनेरियोस जो आप लोग आ रहे हो कुछ भी हो सकता है, इसको कभी भी सेकंड प्रायोरिटी पे रखेंगे तो इससे सीख कुछ नहीं सकेंगे। समझ में आई बात के लिए? तो एक जनरल इंटरेस्ट मुझे आप लोगों से आया कि आप लोगों का इंटरेस्ट क्या था, और वो शायद अन या इतनी ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास शायद ना हो रिलेटेड टू द फील्ड। कुछ लोग समझते हैं कि हमने बस, हमें कंप्यूटर्स का शौक है, हमने जो काम करना है वो कंप्यूटर्स में करना है, इसीलिए वो गलती कर लेते हैं कि कुछ लोग कोड में चले जाते हैं, सीएस कर लिया, बीएससीएस कर लिया, बीएसआईटी कर लिया। मैं ये नहीं कह रहा कि जो लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग गलत वो कर लेते हैं और फिर 4 साल बाद हम परेशान होते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हमने क्या करना और क्या नहीं करना, ठीक है। तो इस चीज को आप लोगों ने आज एज अ इंफॉर्मेशन बेस्ड सेशन लेके चलना है और समझना है। अल्टीमेट गोल जो है हमारा है, दैट इज वर्क फ्रीलांस, फ्रीलांसिंग हमें करनी है, और फ्रीलांसिंग के लिए फाइवर इज द मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म, फाइवर जो है वो मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसके अलावा भी प्लेटफॉर्म्स हमारे पास अवेलेबल है, तो हम उसी को बेस बना के आगे चलेंगे। मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं। हमारे पास जो है, एक तो सबसे पहले व्हाई यू चूज पीएनवाई ट्रेनिंग, आपको आपके बैच नंबर पता क्या है कि ये ओरिएंटेशन किस बैच की है, 102 बैच की है, ठीक है। दैट मींस के अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन विद मोर देन 100 बैचेस, और हमारे पास 2 तरह के कोर्सेज चल रहे हैं, एक 2 month कोर्स है और एक 6 month कोर्स है ग्राफिक डिजाइन के अंदर। वी हैव 100+ फील्ड एक्सपर्ट ट्रेनर्स, ये फिगर्स थोड़े से पुराने हैं, ठीक है। So we have 100+ field expert trainers offering 50+ courses, jo IT
या डिजिटल स्किल को सपोर्ट करते हो. ग्राफिक डिजाइन इज वन ऑफ दोस जो किसको सपोर्ट करता है, डिजिटल स्किल को, जिसकी मदद से आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं. ओवरऑल अगर देखा जाए तो 25,000 प्लस हैं वो यहाँ से सीख के जा चुके हैं, क्योंकि PNY ट्रेनिंग इज द हब ऑफ बेस्ट IT ट्रेनिंग इन पाकिस्तान. और 2014 से वी आर ऑपरेटिव, हम 2014 से स्किल ट्रेनिंग्स करवा. We have online LMS system. LMS stands for Learning Management System. Job and internship placement cell. इस चीज को जरा ज़हन में रखिएगा. क्यों ज़हन में रखना है अभी क्लियर करता हूँ. Online classes plus recordings. अब ये वो चीज़ है कि उंगली हम पकड़ाएंगे, बाजू आप खुद पकड़ लें. Online classes, physical classes भी हैं, live और online भी हैं. और उनकी recording भी आप लोगों को आप लोगों के रेलेवेंट ग्रुप में मिला करें. अब रिकॉर्डिंग की वजह से आप लोगों को लगेगा कि यार क्लास लेने की जरूरत नहीं है, रिकॉर्डिंग तो आई जाएगी. बट एक चीज ध्यान में रखें कि रिकॉर्डिंग से वो, एक तो रिकॉर्डिंग आपके कंट्रोल में है, जहां आप थोड़ा सा बोर है आपने आगे आगे करके देखना शुरू कर देना, डिटेल नहीं है. यहाँ पे आप ऑब्वियसली बाउंड है क्योंकि यहाँ पे वो फास्ट फॉरवर्ड हो नहीं सकता. और शायद इंटरेस्ट लेवल भी हमारा मेंटेन रहता है अगर हम उसको उसी तरह से लेके चले. तो रिकॉर्डिंग के ऊपर हमें इतना डिपेंड नहीं करना. ये आप मेरे ख्याल में पेंडेमिक को थोड़ा सा शुक्रिया अदा कर दें कि ये रिकॉर्डिंग पेंडेमिक की वजह से ज़रा कंपलसरी हो गई है. अदरवाइज जूम क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस हमारी पेंडेमिक से पहले भी थी, लेकिन रिकॉर्डिंग सिर्फ हम अपने जो लाहौर से बाहर के स्टूडेंट्स होते थे उनको प्रोवाइड, बट अब सबको होती है. लेकिन इसके ऊपर हमने इतना डिपेंड नहीं करना. फ्री वर्कशॉप्स फॉर एलुमनाइज आप लोगों के लिए लाइफ टाइम ऑफर होगी फॉर फ्री वर्कशॉप्स जब जब भी आएंगी. एंड लाइफ टाइम एक्सेस ऑफ रिकॉर्डिंग्स, जो रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेगी यू हैव लाइफ टाइम एक्सेस फॉर. जॉब इन इंटर्नशिप प्लेसमेंट सेल का जिक्र मैं दोबारा करूंगा. क्यों? क्योंकि जॉब और इंटर्नशिप प्लेसमेंट हम डेफिनेटली करते हैं, बट फॉर दो स्टूडेंट्स जो स्किल के ऊपर प्रॉपर ग्रिप ले, जिनको हम रिकमेंड कर सकते हो, जिनको हम रिकमेंड कर सकते हो. शकील भाई आप में से किसी को आना पड़ेगा यार साथ. कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको आवाज नहीं आती, तो वो उनको फिर कनेक्ट करवा लें. ठीक है नान यकूब, आप साथ का बात से मैं इन डिटेल आपको जरूर रिस्पॉन्ड करूंगा. आप सब लोगों को थैंक यू जिन लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन और सब चीजें बताई हैं. मैं इसको देख के आप लोगों को भी रिस्पॉन्ड करता हूँ. थोड़ा सा टाइम भी शॉर्ट है तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स शेयर कर दूं आप लोगों के साथ. अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे जॉब एंड इंटर्नशिप प्लेसमेंट की उन लोगों के लिए होगी जिनके पास स्किल प्रॉपर होगा, जिन्होंने इस कोर्स के बाद हमारा जो फाइनल प्रोजेक्ट है वो सबमिट करा देंगे. एंड याद रहे कि सर्टिफिकेट भी उन्हीं को मिलना है जो फाइनल प्रोजेक्ट सबमिट करवाएंगे. ठीक है, इस कोर्स के एंड में सर्टिफिकेट को अर्न करने के लिए हमें भी रिक्वायर्ड है, एंड दैट इज योर प्रोजेक्ट. जो भी आप इस कोर्स में सीखेंगे एंड के ऊपर हमें एक प्रोजेक्ट आप लोगों से लेना है, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोगों ने किस लेवल तक डिजाइन सीख लिया है और हम उसको कितना आप लोगों के साथ, उसको आप लोगों की कितनी ग्रिप हो चुकी है उसके ऊपर. और वो चीज आपको हर लिहाज से, वो पोर्टफोलियो आपको हर लिहाज से हेल्प करेगा. ठीक है, आगे चलते हैं. मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं. मेरा नाम शहरयार खान है एंड आई एम अ विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइनर, करेंटली वर्किंग एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफ अ डिजाइन एजेंसी. और इंडस्ट्री में मुझे अराउंड 13 इयर्स हो गए हैं, और पढ़ाते हुए ट्रेनिंग्स करवाते हुए मुझे मोर देन 5 इयर्स. डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज का भी पार्ट हूँ. एक चीज आपको बता दूं कि 2018 से मैं PNY ट्रेनिंग्स के साथ एसोसिएट हूँ, और यहाँ पे मैं ग्राफिक डिजाइन की ट्रेनिंग्स करवा रहा हूँ. आई वर्क इन बोथ मीडियम्स, प्रिंट मीडिया में भी और डिजिटल मीडिया में भी. आई वर्क विद लोकल क्लाइंट्स एज वेल एंड इंटरनेशनल. करंटली भी आई एम आल्सो डूइंग फ्रीलांसिंग आल्सो. तो ये सब कैसे मैंने बड़ी मुश्किल से सीखा. और ये ट्रेनिंग जो है ना, वो बेसिकली एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर बेस कर रही है, मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर बेस कर रही है, ताकि आप इंडस्ट्री में जब जाते हैं तो आपको किन चीज़ों का सामना है,
और आप अपने आप को इंडस्ट्री ओरिएंटेड तैयार करके जाएं पहले से, तो उसके लिए आप लोगों को मेहनत एफर्ट जरूर करनी है और उसी को आपने फर्दर फॉलो भी करना है। मैं सबसे पहले चाहूंगा कि हम कोर्स ओवरव्यू डिस्कस करें। मैं जरा कोर्स आउटलाइन खोल लूं। लेट्स डिस्कस कोर्स ओवरव्यू पहले। ये बात तो आपको मेरे ख्याल में बहुत अच्छे से पता है कि आप लोग जो है वो 2 मंथ कोर्स के लिए एनरोल हो रहे हो और ये आपका 2 मंथ कोर्स जो है वो टोटल 16 सेशंस के ऊपर बेस कर रहा है। कितने सेशंस के ऊपर बेस कर रहे हैं? 16। आप लोगों की क्लासेस 2 दिन हुआ करेंगी, वेनेसडे एंड थर्सडे। वेनेसडे एंड थर्सडे। वेनेसडे की टाइमिंग्स क्या है? 3 PM टू 5 PM। और थर्सडे की टाइमिंग्स क्या है? 2 PM टू 4 PM। जस्ट इन केस अगर आप में से किसी को नहीं पता तो मैंने ये आप लोगों को क्लियरली दोबारा बता दिया है कि हमारे पास वेडनेसडे के टाइमिंग्स हमारे हैं 3 PM टू 5 PM और थर्सडे के हमारे टाइमिंग्स हैं 2 PM टू 4 PM। ठीक है, 16 सेशंस के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं ये हम डिस्कस करेंगे। एक तो ये जो हमारा कोर्स है, अब आप सब लोग डिफरेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड के हैं, कोई IT का है, कोई CS का है, कोई जस्ट इंटरमीडिएट अभी क्लियर करके आया है और कोई ऑलरेडी शायद कॉमर्स की फील्ड में है। ये उन सब से डिफरेंट डेफिनेटली फर्क है और शायद आप लोगों के पास आर्ट्स का वो बेसिक नॉलेज ना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट या अच्छी बात ये है कि ये कोर्स जो है वो फंडामेंटल्स के ऊपर भी बेस कर रहा है। किस पे बेस कर रहा है? टूल्स के अलावा फंडामेंटल्स पे भी बेस कर रहा है, मतलब थियोरेटिकल पार्ट के ऊपर भी बेस कर रहा है। तो द ग्राफिक डिजाइन कोर्स इज फोकस्ड ऑन बोथ थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल पार्ट्स। By the help of theory and principles of graphic design, the design sense will be developed in students and we will be work out to make the base strong. Ab base agar strong hogi to building bhi strong hogi, base agar weak hogi to building bhi weak hogi. Design mein sirf graphic design nahi hai, iske important elements hai jinko hame identify karna hai. Theek hai, un sab ko dekhna hai aur aisa nahi hai ki ye hamara course jo hai wo purely थ्योरी के ऊपर बेस करेगा। नो, नॉट एट ऑल। कल हमारी फर्स्ट क्लास होगी इंशाल्लाह, कल से हम अपना सॉफ्टवेयर शुरू करेंगे। और यहाँ पे एक चीज आपको ज़हन में रखनी है कि जहां पे थ्योरी आ रही होगी थोड़ा सा हम थ्योरी को डिस्कस करेंगे, उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे और फिर हम अपने प्रैक्टिकल वर्क के साथ ही चलेंगे। ठीक है, तो जहां जहां पे जिस चीज की जरूरत आती जाएगी उसी चीज को आप लोगों को उसी लिहाज से गाइड किया जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये आपको समझ में आ गया कि बेसिक से इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल अचीव करना है आफ्टर दिस कोर्स। हमें इस कोर्स के दौरान या इस कोर्स को कंटेंट इस तरह से डिजाइन किया है कि हम बेसिक टू इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल अचीव करें। अब इसके अंदर हमारे पास 4 टूल्स हैं जो हमने करने हैं। इसके अंदर हमारे पास 4 टूल्स हैं जो हमने करने हैं। मैं ऑर्डर में बता दूं आपको। सॉफ्टवेयर्स, टूल्स बेसिकली सॉफ्टवेयर को कहते हैं। एक तो हम एडोब सूट यूज करेंगे। सबसे पहला हमारे पास है एडोब इलस्ट्रेटर, फिर कोरल ड्रॉ, फिर एडोब फोटोशॉप और फिर एडोब इनडिजाइन। हमारे पास 4 टूल्स हैं जो हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। कौन कौन से? एडोब इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ, एडोब फोटोशॉप एंड एडोब इनडिजाइन। अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी अटेंडेंस मार्क करें और अटेंडेंस मार्क करके ग्रुप में डन कंफर्म करें। अच्छा, एडोब इलस्ट्रेटर का अगर हम जिक्र करें तो यहाँ पे हमारे पास इस सेशंस का जो ब्रेकडाउन बनेगा,
मतलब कौन से टूल को हम कितना टाइम देने वाले हैं। 16 सेशंस का जो ब्रेकडाउन है, इसके अंदर Adobe Illustrator के हमारे पास 7 सेशंस हैं। उसके बाद Corel Draw का 1 सेशन, ये 1 सेशन इसका क्यों है ये भी अभी हम डिस्कस कर लेंगे। देन वी हैव 7 सेशंस ऑफ Adobe Photoshop और 1 सेशन ऑफ Adobe InDesign। ये हमारा एक तरह का रोड मैप है। 7 सेशंस Adobe Illustrator की हैं, 1 सेशन ऑफ Corel Draw, देन 7 सेशंस ऑफ Adobe Photoshop एंड 1 सेशन ऑफ InDesign। ठीक है, ऐसा क्यों है ये हम डेफिनेटली अभी डिस्कस करेंगे। एक बात जीन में रखें कि डिजाइनर के पास, स्पेसिफिकली ग्राफिक डिजाइनर के पास, क्योंकि मैंने जैसे शुरू में बताया कि हम ग्राफिक डिजाइन को बहुत ऑर्डिनरी सी फील लेते हैं। ग्राफिक डिजाइनर्स, अगर आप किसी को सोसाइटी में बताएं भी कि हम पढ़ना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, तो लोग बड़ा अजीब सा भी रिएक्शन देते हैं कि ये करके क्या करना है, शादियों के कार्ड बनाने, या हम उसको सिर्फ पैकेजिंग के साथ एसोसिएट करते थे, विजिटिंग कार्ड के साथ एसोसिएट करते थे, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, डिजाइनर्स के पास 2 मेजर मीडियम्स हैं जिनके लिए वो काम करता है। 1 इज प्रिंट मीडिया एंड अदर 1 इज डिजिटल मीडिया। एक हमारे पास है प्रिंट मीडिया और दूसरा कौन सा है, डिजिटल मीडिया। यहाँ पे अगर आप जिक्र करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दीज डिजाइन टूल्स वी विल डेवलप द प्रोफेशनल स्किल्स सच एज, हम प्रोफेशनल स्किल्स किन किन चीजों की क्रिएट करें, हाउ टू क्रिएट अ लोगो, लोगो डिजाइन क्या है, ब्रोशर डिजाइन। अब इनका ताल्लुक किसके साथ है, प्रिंट मीडिया के साथ। स्टेशनरी डिजाइन, स्टेशनरी में विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, एनवेलप। ठीक है, फिर आपके पास आ जाता है पोस्टर डिजाइन। और अगर आप कुछ चीजें और नेम करें आउटडोर मीडियम के लिहाज से, हमारे पास स्टैंडी है, हमारे पास फ्लेक्सेस आ जाती हैं, स्टीमर्स आ जाते हैं, होर्डिंग्स आ जाती हैं, ये तमाम चीजें, न्यूज़पेपर एड, मैगजीन एड या न्यूज़पेपर इटसेल्फ, ये किसके साथ एसोसिएट है, प्रिंट मीडिया के साथ, क्योंकि वो हमें एक हार्ड फॉर्म में एक प्रोसेस के थ्रू इमेज नजर आ रहा है। लेकिन जब जहां तक हम गौर करें डिजिटल मीडिया के लिए, तो डिजिटल मीडिया में 3 चीजें मिलकर डिजिटल मीडिया को मिला, और वो चीजें क्या क्या हैं, वेब मीडिया, वेब इटसेल्फ इज अ ह्यूज मीडिया। ठीक है, सोशल मीडिया उसमें आ रहा है, ब्लॉग्स उसमें आ रहे हैं, इंटरनेट मार्केटिंग उसमें आ रही है, एंड एक्सेट्रा। वेब के बाद हमारे पास आ जाता है मोबाइल एंड डिवाइसेस, और तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है फिल्म एंड टीवी। तो यहाँ पे आपके पास, आप इस कोर्स में वेबसाइट डिजाइन भी सीखेंगे, ऐप डिजाइन, सोशल मीडिया कैंपेन डिजाइन और पोर्टफोलियो डिजाइन बिल्डिंग, जो कि ये हमें एंड पे चाहिए। लेकिन इसके अलावा एनिमेशंस भी, जो फोटोशॉप में होती हैं एनिमेशंस, किस तरह से हम वो एनिमेशंस बना सकते हैं और फोटोशॉप को हम और किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, वो तमाम चीजें हम इसमें करने वाले हैं। थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर डिजाइन क्या होता है, ग्राफिक डिजाइन क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्राफिक डिजाइन क्या है, डिजाइन प्रोसेस क्या होता है, टाइपोग्राफी एक अहम चीज है जिसको भी हम डिस्कस करते हैं मजीद थोड़ी देर में, क्रिएटिंग इमेजेस फॉर प्रिंट एंड वेब, प्रिंटिंग, फोटो एडिटिंग एंड मैनिपुलेशन, वेब डिजाइन एंड ऐप डिजाइन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे पास लास्ट में क्या आता है, फ्रीलांसिंग। हमारे पास लास्ट में क्या आता है, फ्रीलांसिंग। अब यहाँ पे एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि फ्रीलांसिंग का जिक्र आया, और क्योंकि ये ओरिएंटेशन है ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड, यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको मैं बताना चाहूंगा। ये जो आपको टॉप पे नजर आ रहा है ना, ग्राफिक एंड डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, ये कैटेगरीज हैं, नीश। ठीक है,
डेफिनेटली आप लोग ग्राफिक इन डिजाइन में है, तो ये हमारे पास कौन सा सेक्शन है ग्राफिक एंड डिजाइन का? एक तो बीइंग अ फ्रीलांसर, आपको किसी एक नीश को चूज करना, चाहे वो ग्राफिक इन डिजाइन हो या कोई भी और हो, आप मल्टीपल कैटेगरीज या मल्टीपल नीशेस को एक साथ लेके नहीं चल सकते, हमें एक ही नीश में जाना। और अभी मैंने जिक्र किया कि ग्राफिक डिजाइन का ताल्लुक सिर्फ पैकेजिंग से नहीं है, सिर्फ विजिटिंग कार्ड या लोगो से नहीं है। शायद आप में से कुछ लोगों का इंटरेस्ट, और शायद पता ही ना हो आप सारों को कि लोगो होता क्या या लोगो डिजाइन क्या है, ये भी हम देखने वाले हैं। असल चीज, हम जब तक किसी चीज को उसका एक एनालिसिस नहीं करेंगे, उसका जायजा नहीं लेंगे, तब तक हमारा इंटरेस्ट भी नहीं डेवलप होगा। ये बात मैंने मेजोरिटी से पूछी कि ग्राफिक डिजाइन क्यों किया, तो आपने कहा कि हमारा इंटरेस्ट है, मेजोरिटी। और शायद आपकी जगह कोई भी आएगा वो भी यही कहेगा, आने वाले स्टूडेंट्स भी और पिछले जितने भी आए वो भी हमेशा यही कहते हैं कि हमारा इंटरेस्ट है। लेकिन वो इंटरेस्ट हम अपना आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, वो सिर्फ शायद एक वर्बल चीज रह जाती है कि हमारा इंटरेस्ट है, वो शायद हम अंदर से उस चीज की डेप्थ को समझते नहीं। तो रिजल्टेंटली क्या होता है कि वी फेस अ फेलियर, क्योंकि हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी और हम अपनी मोटिवेशन लेवल को ड्रॉप कर देते हैं। मोटिवेशन लेवल इतना ड्रॉप हो जाता है कि फिर वो हमारा उसमें शायद इंटरेस्ट रहता ही नहीं है। ठीक है, तो एक चीज ये आपको समझनी है कि अगर आपका लोगो डिजाइन में इंटरेस्ट नहीं है तो डोंट डू इट। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर ग्राफिक डिजाइनर ने लोगो बनाना है, ऐसा नहीं है। आप लोगो डिजाइन वाला सेक्शन, मतलब ये इसका ताल्लुक है लोगो एंड ब्रांड आइडेंटिटी से, ब्रांडिंग से। अगर ये वाला पार्ट आपके इंटरेस्ट का नहीं है तो अगला पार्ट कौन सा है? गेमिंग का। डिजाइनर्स की गेमिंग में जरूरत है। एंड्रॉइड और आईओएस की गेम्स पाकिस्तान में बहुत बन रही है, तो डेवलपर का काम उसको कोड करना होता है, डिजाइनर का काम उसका लेआउट डिजाइन करना है कि वो कैसे दिखता है। वो अगर मैं जब तक डिजाइन नहीं करूंगा तब तक डेवलपर उस चीज को डेवलप नहीं कर सकेगा, तो इट्स अ टीम वर्क। आपका इंटरेस्ट अगर गेमिंग वाली साइड पे है, इलस्ट्रेशन वाली साइड पे है, तो आप वो भी ऑप्ट कर सकते हैं, मतलब वो भी चूज किया जा सकता है। फिर अगर आर्ट एंड इलस्ट्रेशन में आ जाएं तो वी हैव इलस्ट्रेशन, पैटर्न डिजाइन, पोर्ट्रेट एंड कैरिकेचर, कार्टून एंड कॉमिक्स। ये मैं शायद एक मिनट या पांच मिनट या एक दिन के लेक्चर में सब चीजें नहीं बता सकता, हमें आहिस्ता आहिस्ता चीजों को करना है और उनका जायजा लेना है। तो यहाँ पे इसको दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि हमारे पास बंडल ऑफ सर्विसेज हैं जिनको हम लेके चल सकते हैं, जिनके थ्रू हम काम कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है फ्रीलांसिंग के लिए भी, कि हमें हमारे पास स्किल होना चाहिए। हमारे पास क्या होना चाहिए? स्किल। एक फ्रेज है जो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं, अगर आप उस फ्रेज को गौर से सुन लेंगे या पढ़ के देख लेंगे तो आपको उसको आइडिया होगा, और वो है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। इस बात का मतलब क्या हुआ कि जब आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो लोगों ने आपका काम देख के आपको ऑर्डर देना है, सिर्फ आपका अकाउंट देख के आपको ऑर्डर नहीं देना। आप अगर एज अ बायर आए, आपको किसी चीज का लोगो बनवाना है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो आप यहाँ पे देखेंगे यार कि ये सबसे ज्यादा अच्छा काम किया हुआ है इनमें से। एज अ बायर अगर आप आके सोचे हैं तो आपको यही है ना कि किसने अच्छा काम किया हुआ, मुझे लगता है कि यार ये कोई थोड़ा सा डिसेंट काम हुआ हुआ है, इसको देखते हैं, लेट्स ट्राई इट। तो आप फर्दर भी देखना चाहोगे ना यार किस किस्म का काम किया हुआ उसने। तो ये बेसिकली आपका क्या है? पोर्टफोलियो। फ्रीलांसिंग के लिए क्या जरूरी है? पोर्टफोलियो। और पोर्टफोलियो के लिए क्या जरूरी है? स्किल। आइदर दे वे चीज आके किस पे ड्रॉप हो रही है? स्किल। स्किल होगा तो आप हाई एंड पोर्टफोलियो बना सकेंगे, और वो हाई एंड पोर्टफोलियो होगा तो आप काम ले सकेंगे। तो इसीलिए मैं हमेशा स्टार्ट में ही ये बात कह देता हूं कि इस चीज के ऊपर फोकस करना है कि एक्शन स्पीक्स louder than words। Unrealistic approach नहीं होनी चाहिए, बजाय इसके कि मैं कह दूं कि यार मसला ही कोई नहीं है, freelancing हो जाएगी, और let's say वो नहीं होती, तो भी वो एक
फेलियर की तरफ जाएगी ना। तो हमने इसको एज अ टीम लेके चलना है। आप लोगों ने हेजिटेंट नहीं होना। अगर आप हिचकिचाएंगे सवाल पूछते हुए तो अनफॉर्चुनेटली स्किल किसका अफेक्ट होगा? आप लोगों का, मेरा नहीं होगा। तो हमें इस चीज को जेन में रखना है कि हमें एज अ टीम ग्रो करना है, हमें एज अ टीम चलना है। मतलब 2 मंथ्स के लिए हम एज अ टीम काम कर, आप लोगों को टास्क दिए जाएंगे तो आप लोग टास्क को परफॉर्म करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास चीजें आ गई रिगार्डिंग कोर्स आउटलाइन, और ये मैंने आपको कुछ इनिशियल चीजें बता दी कि ये इस कोर्स के अंदर हम करने वाले हैं। वी विल बी वर्किंग फॉर प्रिंट मीडिया एंड डिजिटल मीडिया, और इसमें अब कोई दो राय नहीं है। डिजिटल मीडिया 3 चीजों से बनती है, वेब मीडिया, वेब, मोबाइल एंड डिवाइसेस और फिल्म एंड टीवी, ठीक है। अब हम अपने लेक्चर को आगे लेके चलते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक आउटकम है, क्योंकि ओरिएंटेशन सेशन है तो हमें ये पता होगा कि डिजाइन क्या होता है, टाइप्स ऑफ डिजाइन क्या है, ग्राफिक डिजाइन क्या होता है। तो मेरे ख्याल में मेरे लिए कोर्स पिक करना या कोर्स उठाना मेरे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। और हम अपनी बाकी की बेसिक चीजें, फंडामेंटल चीजों को डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक जनरल आप लोगों से मेरा सवाल है कि व्हाट इज डिजाइन अकॉर्डिंग टू यू गाइस, आप लोगों के नजदीक डिजाइन क्या है? क्विकली अगर आप में से कोई 3-4 लोग बता दें, खुद बता दें या मैं पूछ लूं, क्या होता है डिजाइन जनरल? मुझे कोई गूगल कॉपी पेस्टेड डेफिनेशन नहीं चाहिए। समथिंग दैट अट्रैक्ट्स यू, और स्ट्रक्चर ऑफ समथिंग, और इसको आप थोड़ा मजीद एक्सप्लेन कर सकते हो? आपने स्ट्रक्चर ऑफ समथिंग किस तरह से कहा? पार्टिसिपेशन करें, एक बात जेन में रखें, गलत होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी हमारे एजुकेशन सिस्टम का फ्लॉ है कि गलत होते हैं तो हमें स्नप कर दिया जाता है, झिड़क दिया जाता है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। और शायद हमें यह भी लगता है कि हम गलत हैं, हम बोलेंगे तो इर्द गिर्द के लोग हंस पड़ेंगे। तो आप लोग पार्टिसिपेट करें ज्यादा से ज्यादा। आप बताएं कलर ऑफ आगे जी, स्ट्रक्चर की हद तक कुछ करीब थे आप, लेकिन आप शायद उस पॉइंट को अपना एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मैं आगे खुद बताता हूं आपको, डिजाइन है क्या? वन वर्ड, अ प्लान, अ ड्राइंग। आप समझ में आए? किसी भी चीज का कोई स्ट्रक्चर प्लानिंग के एतबार से, किसी भी चीज का कोई स्ट्रक्चर प्लानिंग के एतबार से। क्योंकि डिजाइन सिर्फ ग्राफिक्स में तो नहीं है, डिजाइन इज ऑल अराउंड अस। आर्किटेक्चर में डिजाइन है, बिजनेसेस में डिजाइन है, सो डिजाइन इज ऑल अराउंड अस। फैशन, टेक्सटाइल, शू, ज्वेलरी, हर चीज में डिजाइन है, मेडिकल में डिजाइन है, किसी भी चीज का। मैंने वन वर्ड यूज किया आपकी आसानी के लिए, अ प्लान, अ ड्रॉइंग। मुझे यकीन है इस बात का कि जो लोग कल आएंगे मैं उनसे दोबारा अगर पूछ लूं खुदा ना खास्ता तो वो याद नहीं होगा, क्योंकि हम इधर से सुनते हैं और इधर से निकाल देते हैं। रट्टा नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे किसी भी चीज, हमें कॉन्सेप्ट करके चलना। तो यहाँ पे आपने ये जेन में रखना है वन वर्ड के अंदर। डिजाइन को प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कहा जाता है, डिजाइन को प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कहा जाता है। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल, आप सारी चीजें देख लें, ये बॉटल है, ये जब बनी होगी तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम होगी ना सामने कि हमें वाटर स्टोरेज के लिए कोई छोटी सी चीज चाहिए, तो उसी के तहत ये बनी होगी। या कुछ चेयर नजर आ रही है, टेबल नजर आ रही है, तो ये बनने से पहले वो प्रॉब्लम सामने आई होंगी तो ये चीजें बनी। तो बेसिकली डिजाइन इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्लाइंट भी आपके पास आएगा तो वो अपनी प्रॉब्लम ही लेके आएगा, हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। डिजाइनर्स आर यूजुअली
प्रॉब्लम सॉल्वर्स. तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी नीड अ सॉल्यूशन. सो डिजाइन इज अरेंजमेंट और मैनिपुलेशन ऑफ योर आइडियाज. डिजाइन इज अरेंजमेंट और मैनिपुलेशन ऑफ योर आइडियाज. व्हाट इज डिजाइन अकॉर्डिंग टू सम फिलोसफर्स. कुछ फिलोसफर्स के नजदीक डिजाइन क्या है. डिजाइन इज नॉट जस्ट व्हाट इट लुक्स लाइक. डिजाइन इज हाउ इट वर्क्स. दो चीजों का जिक्र हो रहा है, हाउ इट लुक्स एंड हाउ इट वर्क्स. ये जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ दिखता कैसे है, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डिजाइन. डिजाइन इज सिंपल व्हेन यू रिमेंबर इट इज अ प्रोसेस नॉट अ रिजल्ट. ये एक प्रोसेस है, ये रिजल्ट नहीं है. डिजाइन इज अ प्रोसेस नॉट अ रिजल्ट. बाकी चीज को मैं इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, बट ये डिजाइन प्रोसेस हमें आइडेंटिफाई कर. ये डिजाइन प्रोसेस क्या है. मैंने शुरू में एक चीज की कि डिजाइनर और ऑपरेटर में क्या फर्क होता है, कि ऑपरेटर डिजाइन प्रोसेस को फॉलो नहीं करता, डिजाइनर डिजाइन प्रोसेस को फॉलो करता है. अब हमारे नजदीक प्रोसेस क्या है, गूगल पे जाएं, इमेज डाउनलोड करें, उसको कॉपी करें, गुड टू गो. तो वो डिजाइन प्रोसेस का हिस्सा नहीं है. हमने ऐसा काम नहीं करना क्योंकि वो ऑपरेटर्स का काम है, हमें ऑपरेटर नहीं बनना. डिजाइन इज अबाउट डेमोंस्ट्रेटिंग हाउ ब्यूटीफुल समथिंग कैन बी. डिजाइन इज अ वे ऑफ चेंजिंग लाइफ एंड इन्फ्लुएंसिंग द. डिजाइन इज द फंडामेंटल सोल ऑफ अ मैन मेड क्रिएशन. डिजाइन इज नॉट जस्ट व्हाट इट लुक्स लाइक, इट फील्स लाइक, इट इज हाउ इट वर्क्स. मतलब अगेन दो चीजों का जिक्र आ रहा है, किसका, हाउ इट लुक्स, हाउ इट वर्क्स. इन्हीं के ऊपर डिजाइन की दो टाइप्स बेस कर रही है, इसी के ऊपर डिजाइन की दो टाइप्स बेस कर रही है. मैं उन डिजाइन टाइप्स की तरफ मूव करता हूं. सिर्फ दो मिनट दें जी, अजान हो रही है और फिर हम कंटिन्यू करते हैं यहीं से.
अच्छा जी, तो हम जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पे हमारे पास दो चीजों का जिक्र हो रहा है. डिजाइन इज नॉट जस्ट व्हाट इट लुक्स लाइक एंड फील्स लाइक, डिजाइन इज हाउ इट वर्क्स. तो यहाँ पे हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ डिजाइन. वी हैव टू टाइप्स ऑफ डिजाइन. कौन कौन सी? स्टैटिक्स डिजाइन एंड फंक्शनल डिजाइन. स्टैटिक्स डिजाइन का ताल्लुक है लुक्स के साथ और फंक्शनल डिजाइन का ताल्लुक है हाउ इट वर्क्स. यहां पे मैं दो टर्म्स और लिखूंगा. वन इज यूआई एंड वन इज यूएक्स. बीएसआईटी कौन कर रहे हैं? आप कर रहे हैं. व्हाट इज यूआई यूएक्स? नहीं आइडिया. आपने बीएससीएस करना है. और कौन है यहाँ पे कंप्यूटर साइंसेस का? आप है. क्या होता है यूआई यूएक्स? नो आइडिया. और कोई बताएगा? आपको बताए? नहीं. यूआई स्टैंड्स फॉर यूजर इंटरफेस एंड यूएक्स स्टैंड्स फॉर यूजर एक्सपीरियंस. यूजर इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंस. बेसिकली जहां पे एप्स का जिक्र आता है तो एप्स मोबाइल बेस्ड भी हैं और एप्स डेस्कटॉप बेस्ड भी, मतलब वेब बेस्ड भी होती हैं एप्स. एप्लीकेशन जो है वो वेब बेस्ड भी होती हैं और एप्लीकेशन जो है वो मोबाइल बेस्ड भी होती हैं. तो ये जहां पे एप्लीकेशन का जिक्र आता है वहां पे ही यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस का जिक्र आता है. और यूआई यूएक्स की एक बहुत इम्पॉर्टेंट है एप्स के लिहाज से. बेसिकली यूआई का ताल्लुक किसके साथ है? हाउ इट लुक्स के साथ. और एक्सपीरियंस का ताल्लुक क्या है? हाउ इट वर्क्स. मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहता हूँ. एग्जांपल ये है कि आप लोग करीम, उबर, फूड पांडा, चीते या मल्टीपल एप्लीकेशंस यूज करते हैं तो उन एप्लीकेशंस के अंदर हम कुछ चीज़ों को जेहन में रखते हैं. मिसाल के तौर पर लुक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें यार? इन विजुअल टर्म्स static include factors such as balance, color, movement, pattern, scale, shape, font and visual weight. मतलब वो कैसा दिख रहा है, किस तरह का कलर यूज होना है, किस तरह के कलर कंट्रास्ट यूज करने हैं, फॉन्ट किस तरह का यूज करना है, एलिमेंट्स जो उसमें यूज हो रहे हैं उनको बैलेंस किस तरह से करना है ताकि वो अच्छा लगे. तो इन सब का ताल्लुक किसके साथ है? aesthetics के साथ, क्योंकि इनका ताल्लुक लुक्स के साथ है. एंड डिजाइनर्स यूज एस्थेटिक्स टू कॉम्प्लीमेंट देयर डिजाइन्स. ये डिजाइनर की मेन पावर है एस्थेटिक्स, क्योंकि वो खेलता ही किसके ऊपर है? एस्थेटिक्स के ऊपर. हमारा काम है कि हमने चीज को खूबसूरत लगाना है, हमने बनाना है उसको खूबसूरत, हमें उसका कॉस्मेटिक वर्क करना है, उसको अच्छा लगाना है. वो अब हमारे ऊपर है कि किस तरह से लगाना है. और जबकि यूजर एक्सपीरियंस का ताल्लुक किसके साथ है? हाउ इट वर्क्स के साथ, मतलब यूजर फ्लो के साथ. आप कोई भी ऐप पहली दफा डाउनलोड करें तो जो पहली स्क्रीन होती है उसका टेक्निकल नेम होता है स्प्लैश स्क्रीन, जिस पे लोगो एनिमेट होके आ रहा है. उसके बाद अ डिजाइन मेथड इन विच द सिस्टम इज सीन फ्रॉम फंक्शनल व्यू पॉइंट. अब ये मेनोवर करती है चीज, मतलब वेरी करती है. प्रिंट मीडिया के लिहाज से इसका काम कुछ और है और डिजिटल के लिहाज से इसका काम कुछ और है. एंड डेवलपमेंट प्रोसीड एज अ सीरीज ऑफ स्टेप वाइज रिफाइनमेंट्स ऑफ फंक्शनैलिटी. सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा डिजिटल के लिहाज से. आप लोग जब कोई भी ऐप पहली दफा डाउनलोड करते हो तो स्प्लैश स्क्रीन के बाद जो अगली स्क्रीन आती है वो आती है साइन इन स्क्रीन. अब हमने यूजर फ्लो को आइडेंटिफाई करना है. एज अ यूजर हमने देखना है, अगर मैं उसके ऊपर रजिस्टर्ड नहीं हूं तो साइन इन स्क्रीन के बाद किस पे जाऊंगा मैं? साइन अप स्क्रीन. वहां पर जाके अपनी डिटेल्स डालूंगा, साइन अप करूंगा तो मैं होम स्क्रीन के ऊपर लैंड करूंगा. ये यूजर फ्लो है. तो ओवरऑल एप्लीकेशन का हमें यूजर फ्लो बनाना है, यूजर के अकॉर्डिंग देखना है कि क्या पॉसिबिलिटीज है. ठीक है, तो वो स्टेप वाइज रिफाइनमेंट्स, जो स्टेप वाइज रिफाइनमेंट्स होती है फंक्शनैलिटी की, वो हमें यूएक्स के अंदर आइडेंटिफाई करना. ये मैंने जिक्र किया किसके लिहाज से? डिजिटल के लिहाज से. लेकिन प्रिंट मीडिया के लिहाज से ये चीजें थोड़ी सी फर्क है. फंक्शनैलिटी प्रिंट मीडिया में, फंक्शनैलिटी वो है जो हमें कम्युनिकेट कर रही है. प्रिंट मीडिया में क्या चीज है?
जो हमें कम्युनिकेट कर रहे हैं। आप परफ्यूम्स लेते हैं, आप कपड़े लेते हैं, तो उसके ऊपर टैग्स के ऊपर कुछ आइकन्स बने होते हैं जो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, आयरन किस लेवल पे करना है, वॉश किस पानी से करना है उसको, ये तमाम प्रिकॉशंस होते हैं। रोड के ऊपर अगर आप चलते हैं तो आप कुछ रोड साइंस देखते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे नो पार्किंग है, स्पीड स्लो, स्पीड ब्रेकर अहेड एंड एक्सेट्रा। तो उस उन साइंस को अगर हम देखें तो उन साइंस में कोई एस्थेटिक्स नहीं है, लेकिन फंक्शनैलिटी उनकी क्या है कि वो कम्युनिकेट कर रहे हैं हमें। एस्थेटिक्स इसलिए नहीं है कि ना उसका कोई प्रॉपर फॉन्ट चूज किया गया, ना उसमें कलर का ख्याल किया गया, ना उसके बैलेंस का ख्याल किया गया, वो एक सिंपल सिंबल बनाया गया। टारगेट उसका यही है कि वो कम्युनिकेट करे लोगों को बताए, ठीक है कि यहाँ पे ये चीज है। तो दिस इज हाउ फंक्शनल डिजाइन गोस प्रिंट मीडिया के लिहाज से और डिजिटल मीडिया के लिहाज से। अब आपके पास आ जाता है टर्म ग्राफिक डिजाइन। व्हाट इज ग्राफिक डिजाइन अकॉर्डिंग टू यू, आपके नजदीक ग्राफिक डिजाइन क्या है? खामोशी हो गई, बहुत ज्यादा जल्दी बता, क्योंकि ये सवाल पूछने का मतलब ये होता है आप लोगों को दोबारा जगा दो। इस सुकून में कुछ लोग बहुत ज्यादा ही सुकून में चले जाते हैं। जरा डिस्कशन के अंदर इन्वॉल्व करना है कि ग्राफिक डिजाइन होता क्या है। जनरली डिजाइन तो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये तो हमें पता चल गया। अब ग्राफिक डिजाइन क्या है? वैसे ही खामोश है, ये बताना नहीं चाह रहे। ग्राफिक डिजाइन को कम्युनिकेशन डिजाइन भी कहा जाता है। ग्राफिक डिजाइन को कम्युनिकेशन डिजाइन भी कहा जाता है। एनसीए में भी, एनसीए इज द टॉप आर्ट स्कूल, वहां पे भी कम्युनिकेशन डिजाइन के नाम की डिग्री है, ठीक है, ग्राफिक डिजाइन के नाम की डिग्री नहीं है। इज टू कम्युनिकेट विद अ पर्पस। इट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग टाइपोग्राफी, कलर, इमेजेस, शेप्स एंड यूज ऑफ स्पेस। टाइपोग्राफी का ताल्लुक टेक्स्ट के साथ है। टाइपोग्राफी, कलर, इमेजेस, शेप्स एंड यूज ऑफ स्पेस, ये हमारे पास पांच एलिमेंट्स हैं। मैं अगर यहाँ पे इन चीजों को देखूं, ब्रोशर डिजाइन, लेट्स से ब्रोशर और फ्लायर, जैसे ये आपके सामने है, ये फ्लायर्स ही है ना, तो इसके अंदर अगर आप नोटिस करें टाइपोग्राफी मतलब टेक्स्ट, कलर, ये जो कलर का कंट्रास्ट यूज हुआ है, क्योंकि हमारा फोकस डिजाइन बनाते हुए क्या है कि डिजाइन में रीडेबिलिटी हो और इजी ऑन आइज हो, लेजिबल हो, रीडेबल हो और इजी ऑन आइज हो। तो टेक्स्ट, कलर, बैकग्राउंड पे आपको इमेज भी नजर आ रहा है, इमेज, शेप्स भी बीच में यूज हुई हुई है एंड यूज ऑफ स्पेस। इसके अलावा और कोई एलिमेंट है इसमें? तो आप कोई भी चीज उठा ले इसमें से शायद कुछ माइनस हो जाएगा, कुछ ऐड नहीं होगा, इसमें से कुछ माइनस हो जाएगा लेकिन कुछ ऐड नहीं होगा। मैं टाइपोग्राफी का जिक्र करूं तो हमारे पास दो बेसिक फॉन्ट्स हैं जिनके लिए हम काम करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि टाइपोग्राफी का ताल्लुक टेक्स्ट के साथ है, तो वो सिर्फ फॉन्ट नेम, फॉन्ट साइज और फॉन्ट टाइप के ऊपर रह जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे पास दो बेसिक फॉन्ट्स हैं, ये किस तरह से लिखा जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये बात की चीज है। एक हमारे पास है फॉन्ट सेरिफ और दूसरा है सैंस सेरिफ। एक मेरे पास है सेरिफ और दूसरा कौन सा है? सैंस सेरिफ। सेरिफ फॉन्ट्स होते हैं जिनके पैर हो,
पैरे फॉन्ट्स कौन से होते हैं जिनके पैर, जैसे आप ये देख रहे हैं F R I, जिनकी एक्स्ट्रा स्ट्रोक्स हो, उनको कौन से फॉन्ट्स कहा जाता है? सेरिफ फॉन्ट्स। और सेंस सेरिफ कौन से होते हैं? विदाउट फीट्स, विदाउट एक्स्ट्रा स्ट्रोक्स। तभी आपने आज तक इस तरह के फॉन्ट्स को हॉस्पिटल के लोगों में देखा इस्तेमाल में इन जनरल, क्योंकि फॉन्ट्स की भी एक लैंग्वेज है, ठीक है? तो वो लैंग्वेज हमने सीखी, यही इसी तरह के फॉन्ट्स ज्यादातर यूज होते हैं हॉस्पिटल के लोगों में, आपकी सीरियस नेचर लीगल लेटर्स जितने भी बनते हैं वो इन्हीं के ऊपर बेस करते हैं। तो हमारे पास सेरिफ एंड सेंस सेरिफ, सेरिफ एंड सेंस सेरिफ दो टाइप्स हैं फॉन्ट की। फॉन्ट का मतलब सिर्फ फॉन्ट चेंज कर देना, फॉन्ट टाइप चेंज कर देना, फॉन्ट साइज चेंज कर देना नहीं है, या फॉन्ट का कलर चेंज कर देना नहीं है, बल्कि हम किस तरह के फॉन्ट को किस चीज के लिए यूज करें, दैट्स द मेन पर्पस। वो हमने इस कोर्स के अंदर इंशाल्लाह सीखना है कि वो क्या है। कलर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द डिजाइन, क्योंकि अगर आपका कलर कंट्रास्ट ना सही हुआ तो आपका डिजाइन रीडेबल नहीं हो सकता। तो जो बात मैंने की कि आर डिजाइन शुड बी रीडेबल, लेजिबल एंड इजी ऑन आइज, तो हमें उस चीज को जहन में रखना है कि वो हमारा जो डिजाइन है वो उसी तरह से लेजिबल होना चाहिए कि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। उसके बाद यहां पे आप लोगों से मैंने डिजाइन का भी पूछा, ग्राफिक डिजाइन का भी पूछा, तो किसी ने क्रिएटिविटी का जिक्र नहीं किया। मैं इंतजार में था कि शायद कोई आप में से यूज करते वर्ड क्रिएटिविटी, लेकिन ये तो हमें पता है ना कि क्रिएटिव कौन होते हैं, कौन होते हैं क्रिएटिव? जिनके पास आइडियाज हो। लेट्स से मुझे अपनी क्रिएटिविटी को एनहांस करना, कैसे कर सकूंगा? मुझे अपनी क्रिएटिविटी को एनहांस करना है, कैसे कर सकूंगा? देखिए क्रिएटिविटी का ताल्लुक, मतलब क्रिएटिविटी कहीं से भी नहीं मिलती। मेरे पास भी कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं ग्लास में डालूं, आई स्टर इट अराउंड, मतलब उसको बोलूं और आप लोगों को दे दूं कि जी ये लें ग्राफिक डिजाइन, ये लें क्रिएटिविटी। नॉट पॉसिबल। क्रिएटिविटी का ताल्लुक है ऑब्जर्वेशन के साथ। जितने ज्यादा ऑब्जर्वेंट होंगे उतने क्रिएटिव आप होते जाएंगे। मतलब हम कीनली ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं ना, तो कलर कंट्रास्ट के लिए एक फॉर्मूला नॉर्मली हम फोकस करते हैं। वैसे तो और भी हैं चीजें, और कलर का एक पूरा प्रॉपर डिटेल टॉपिक है, लेकिन कलर कंट्रास्ट के लिए हम कुछ चीजें ऑप्ट करते हैं। क्रिएटिविटी के लिए भी वो चीजें हैं जो ऑब्जर्वेशन का पार्ट है। अगर कलर कंट्रास्ट को गौर किया है, अच्छा ऑब्जर्वेशन में ये नहीं है कि हम जो है वो सिर्फ कोई स्पेसिफिक चीजों को कर सकते हैं। आप कहीं पे भी विजिट करते हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स, आप वहां पे चीजों को देख सकते हैं कि आपने किस लिहाज से उसको लेके चलना है, ठीक है? बट व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिविटी, ऑब्जर्वेशन के लिहाज से, मतलब अलाइनमेंट्स, टेक्स्ट की अलाइनमेंट्स हम देखते हैं, फॉन्ट्स किस तरह के यूज हुए हैं, क्योंकि हर फॉन्ट एक जैसा नहीं होता, हर किसी ने एरियल या टाइम्स न्यू रोमन यूज नहीं किया होता, ठीक है? तो हमें फॉन्ट्स को ऑब्जर्व करना है। फॉन्ट का नाम तो हमें नहीं पता चलेगा, लेकिन हमने फेस टाइप को फोकस करना होता है, फिर कलर्स किस तरह के यूज हुए हैं, उन कलर्स के लिहाज से हमने चीजों को मैनेज करना। तो जनरली क्रिएटिविटी का जो ताल्लुक है वो ऑब्जर्वेशन से तो है ही, लेकिन कलर के एतबार से अगर हम देखें ऑब्जर्वेशन, कलर कंट्रास्ट के लिहाज से, तो हम लोग इल्यूजनिस्ट है क्रिएटर अल्लाह ताला की। तो आप नेचर को ऑब्जर्व करना शुरू करें फॉर कलर कंट्रास्ट। इतना बेहतरीन कंट्रास्ट दरख्त में ग्रीन और ब्राउन का, एंड देयर आर
सो मेनी थिंग्स इन नेचर जिनको आप देख सकते हैं, जो आपको कलर्स से रिलेटेड बड़ा अच्छा बता सकते हैं। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है फॉर लाइफ। जितने ऑब्जर्वेंट आप होंगे उतने क्रिएटिव होते जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपने जहन में रखनी है। इमेजेस का ताल्लुक है बिटमैप और रास्टर ग्राफिक्स के साथ, शेप्स का ताल्लुक है वेक्टर ग्राफिक्स के साथ, और यूज ऑफ स्पेस। बेसिकली अगर आप गौर करें, यहाँ पे मैंने आपको टूल्स कराए, किसी एक टूल को सीखने से आप ग्राफिक डिजाइनर नहीं बन जाएंगे, किसी एक टूल को सीखने से आप ग्राफिक डिजाइनर नहीं बनेंगे। हमें कुछ चीजों को फोकस करना है। मिसाल के तौर पर ग्राफिक डिजाइन किन चीजों से मिलके बन रहा है? वेक्टर ग्राफिक्स, बिटमैप और रास्टर ग्राफिक्स, लेआउट एंड फॉर्मेटिंग। जी 5 PM से थोड़ा सा ऊपर टाइम हम लेंगे, क्योंकि क्लास थोड़ा सा लेट शुरू हुई थी, तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लें। अच्छा जी, लेआउट एंड फॉर्मेटिंग, लेआउट एंड फॉर्मेटिंग। एक्सक्यूज मी जरा एक मिनट दीजिएगा जी। सलाम अलैकुम जी। हेलो हेलो जी, वाले सलाम जी, मैं भी करवा मैं करवा देता हूँ। बासिल बात सुनते अच्छा जी, लेआउट एंड फॉर्मेटिंग। ग्राफिक्स तीन चीजों पर बेस कर रहे हैं, वेक्टर ग्राफिक्स, बिटमैप और रास्टर ग्राफिक्स, और तीसरा है लेआउट एंड फॉर्मेटिंग। वेक्टर ग्राफिक्स जिनका ताल्लुक शेप्स के साथ है, उस पर दो टूल्स बेस करें, कौन कौन से? इलस्ट्रेटर एंड कोरल ड्रॉ। तो सिर्फ ये सीखने से डिजाइनर नहीं बन सकते। इमेजेस का ताल्लुक किसके साथ है? फोटोशॉप के साथ, पिक्सल्स के साथ। लेआउट और फॉर्मेटिंग, उनकी प्लेसमेंट यूजिंग वेक्टर एंड बिटमैप हम क्या यूज करते हैं? इनडिजाइन। इनडिजाइन बेसिकली पब्लिशिंग के लिए यूज होता है, प्रिंट पब्लिशिंग। किताबें बनानी है हमने, मैगजीन्स बनाने हैं, न्यूज़पेपर बनाने हैं, तो हम किसमें डिजाइन कर रहे होते हैं? इनडिजाइन में, यूजिंग वेक्टर, वेक्टर जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं उसकी प्लेसमेंट, और बिटमैप इमेजेस की प्लेसमेंट। टेक्स्ट फॉर्मेट करना इनडिजाइन में आसान है, तो टेक्स्ट के लिए हमें ना तो इलस्ट्रेटर की जरूरत है ना फोटोशॉप की जरूरत है। सो इट वेरीज, ठीक है। इन्हीं चीजों को हमने आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है, तो ले लें कॉल की बात, इधर बेशक अंदर चाहती है, ठीक है। तो इस चीज को हमें आइडेंटिफाई करना है कि वेक्टर ग्राफिक्स, बिटमैप और रास्टर ग्राफिक्स, लेआउट एंड फॉर्मेटिंग मिलके ग्राफिक डिजाइन बना रहे हैं। सिर्फ एक टूल इनफ नहीं है। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, उसके बाद Designers have mainly two types of media. ये मैं already बता चुका हूँ। And a good graphic designer have a firm grip on the following tools. ये भी अभी बता चुका हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद course overview duration में already आप लोगों को बता चुका हूँ। Tools download करने के लिए आप लोगों को परेशान नहीं होना। आप लोगों को tools यहाँ पे download करवाए जाएंगे, यहाँ पे provide किए जाएंगे, और आपको install भी करवाए जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास वो सपोर्ट मौजूद है। आप लोगों ने कल सिर्फ अपने सिस्टम लेके आना है, और ऑनलाइन स्टूडेंट्स को हम ऑनलाइन लिंक्स प्रोवाइड करेंगे जहां से वो वही सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वो लाहौर के अंदर है या लाहौर से बाहर है।
हमारे पास यहाँ पे आईटी टीम की सपोर्ट है, हमने उस आईटी टीम की सपोर्ट को लेते हुए आप लोगों को वो हेल्प आउट करना है उसके अंदर। तो सॉफ्टवेयर इज नॉट अ इशू, ना इलस्ट्रेटर का कोई मसला है, ना फोटोशॉप का, ना कोरल ड्रॉ का, और ना ही इनडिजाइन का। याद रहे कि हमारा फोकस फ्रीलांसिंग है, लेकिन अभी मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप आज जज्बाती होके जाके अपने अकाउंट बना लें। अकाउंट नहीं बनाने अभी, अभी हमने सिर्फ जायजा लेना है उस मार्केट प्लेस का, हमने काम कैसे करना है और हमने फोकस किस पे करना है, अपनी स्किल के ऊपर। फ्रीलांसिंग क्योंकि आप समझ लें कि एक बिजनेस है जो आप खुद रन कर रहे हैं, उसकी सेल्स टीम भी आप हैं, उसकी मार्केटिंग टीम भी आप हैं, उसके अकाउंटेंट भी आप हैं, उसके रिकवरी एजेंट भी आप हैं, ऑल इन ऑल वो सब काम आपने खुद करने, वो सब काम हमने कैसे करने, उस बिजनेस को कैसे रन करना है, उसको कैसे फोकस करना है, उस चीज के लिए एक तो डेडिकेशन, डेडिकेशन समझते हैं यार, एक काम पकड़ा है तो उसको एंड तक पहुंचाना है, रास्ते में नहीं छोड़ना, ठीक है। तो आप लोग अपनी मोटिवेशन को इसी तरह से मैनेज रखें, ये सिर्फ आज की क्लास के लिए नहीं है, ये आपने टिल एंड ऑफ द कोर्स इसको आपने पकड़ के रखना है। आप इंटरेस्ट लूज करेंगे कोर्स के अंदर, आपसे ज्यादा मैं कर जाऊंगा। तो याद रखें कि आप लोगों ने कंटेंट एक्सट्रैक्ट करना है मेरे साथ मिलकर, तो इट्स अ टीम वर्क। आप लोगों की हेल्प के लिए ग्रुप बनाया गया, ग्रुप का मकसद क्या है, ग्रुप का कतन मकसद पॉलिटिकल मैसेजेस, रिलीजियस मैसेजेस या मीम्स या कोरोना अपडेट्स के लिए नहीं बनाया गया वो ग्रुप। वो ग्रुप प्राइमरीली फोकस करेगा किसके ऊपर, ग्राफिक डिजाइन के ऊपर। दो दिन मैंने आपको पढ़ाया, आप प्रैक्टिस करें, उसके दौरान में आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं मौजूद हूँ, मेरे अलावा मैनेजमेंट भी मौजूद है वहां पे। आपको सिर्फ वीडियोस या इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही होगी, वहां पे आप मेरे से इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई भी सवाल है किसी चीज से रिलेटेड आप वहां पूछ सकते हैं, मैं अपने स्पेसिफिक टाइम के ऊपर आपको उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर दूंगा। लेकिन सवाल पूरा लिखना है एक ही मैसेज में, ये नहीं कि आप 10 मैसेजेस का, ठीक है। और फिर पेशेंस के साथ इंतजार करें, मैं उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करूंगा, लाजमी करूंगा, तो आपने उसके लिए परेशान नहीं होना, क्लियर। दूसरे नंबर पे आपको एक चीज ज़हन में रखनी है और वो क्या है, सिस्टम टाइप। ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपको फोटोशॉप पसंद है या इलस्ट्रेटर पसंद है, किसी एक टूल से काम नहीं होने वाला, हमने ग्राफिक डिजाइन सीखने के लिए सब टूल्स को सीखना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में उसमें पसंद का चक्कर नहीं है, पसंद हम एनालाइज करेंगे सर्विस से रिलेटेड, अभी हमने टूल सीखना है और हमने उसको डिजाइन के अंदर इन्वॉल्व करना है। सिस्टम रिक्वायरमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि हमारे पास सिस्टम क्या होना चाहिए, वर्जन जो आप यूज करोगे एडोब का, दैट इज CC 2017 एंड अबव। जो हम वर्जन एडोब का यूज कर रहे हैं वो कौन सा है, CC 2017 एंड अबव। तो एक चीज आपको ज़हन में रखनी है, इस सॉफ्टवेयर के लिए, इस स्पेसिफिक वर्जन के लिए सिस्टम रिक्वायरमेंट है, और वो सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है। देखें, आप अपनी सिस्टम रिक्वायरमेंट खुद भी चेक कर सकते हैं, अगर आप सर्च बार में जाके लिखें अबाउट योर पीसी तो आपके पास आपकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, डिवाइस स्पेसिफिकेशन आ जाती हैं, जिसमें आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्रोसेसर। प्रोसेसर यहाँ पे है i7, तो वो i3 हो, i5 हो, i7 हो, अगर वो सेकेंड जनरेशन, अब थर्ड जनरेशन अबव है जी, हेलो, हो गई भी है, करवा दी उन्हें, बोले ईमेल चेक करें। उनको बोले अपनी ईमेल चेक करें, करवा दीजिए। अच्छा, डिवाइस नेम आपके पास प्रोसेसर है i3, i5, i7, कुछ भी हो, लेकिन थर्ड जनरेशन एंड अबव। अगर थर्ड जनरेशन से नीचे होता है तो उसका हल क्या है वो मैं आपको बता देता हूं अभी। अब जनरेशन का हमें कैसे पता चलेगा, i7 के बाद क्या लिखा हुआ है, 3 से स्टार्ट हो रहा है, दैट मींस थर्ड जनरेशन, इसी तरह फोर्थ और फिर फिफ्थ, तो ये आप आइडेंटिफाई कर लोगे। तो इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास क्या है कि i5, i7 हो, थर्ड जनरेशन एंड अबव। इंस्टॉल रैम कितनी है,
16 GB, आप लोगों के पास मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 8 GB, i3, i5 और i7, और थर्ड जनरेशन अबव, उसके बाद रैम कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 8 GB, ठीक है। और सिस्टम टाइप, सिस्टम टाइप मतलब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होना चाहिए, 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। विंडोज 10 हो, विंडोज 8 भी चल जाएगी, लेकिन क्या होना चाहिए, 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम। जस्ट इन केस आपका सिस्टम इन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर नहीं है, लेट से सेकेंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन नहीं है, सेकेंड जनरेशन है, तो फिर हमें सपोर्ट लेनी है किसकी, SSD ड्राइव की, इसकी सपोर्ट लेनी है। बाकी सब चीजें वही होंगी, सपोर्ट हमने सिर्फ किसकी ले लेनी है, SSD, ये हार्ड ड्राइव की एक टेक्नोलॉजी है, SSD ड्राइव, ठीक है। तो आपकी विंडोज और जो सॉफ्टवेयर है वो SSD में होगा नॉर्मल, क्योंकि ये SSD ड्राइव जो है ये छोटी आती है, बहुत बड़ी स्टोरेज की नहीं होती है, तो साथ आपको बैकअप के ऊपर साथ दूसरी हार्ड डेटा के लिए रखनी पड़ेगी, ठीक है। और खुदा ना खास्ता सेकेंड जनरेशन भी नहीं है, और भी पुराना कंप्यूटर है, और आप अभी नहीं नया खरीद सकते, तो फिर हमारे पास पुराने वर्जन हैं जिनकी हमें सपोर्ट लेनी है, कौन सा, CS6 एक्सटेंडेड, CC 2014, आप इनकी सपोर्ट ले सकते हैं। इसके कि हम अपनी स्किल में रुकावट डाल लें कि हमारे पास सिस्टम नहीं है, सिस्टम लाएं एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो बेहतर ये है कि हम स्किल के ऊपर फोकस करें, सिस्टम शायद बन ही जाएगा, जब काम करना शुरू करते हैं तो सिस्टम इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। थोड़ा सा फर्क जरूर होगा चीजों का, लेकिन क्योंकि सिखाना मैंने है तो आई विल मैनेज, आप अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें, ठीक है। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर कोर्स जो सारा मैंने आज आपको प्रोवाइड किया। बाकी PNV ट्रेनिंग्स की वेबसाइट पे आप जाके चीजों को फर्दर देख सकते हैं, ठीक है। अभी अब आपको फीस वगैरह के बारे में सारा गाइड कर देते हैं कि वो क्या है। मेरी तरफ से जो एंडिंग नोट है वो यही है कि हमारा प्राइमरीली फोकस किस पे होना चाहिए, स्किल के ऊपर, और आप अपनी मोटिवेशन को होल्ड करके रखें, इसको लेके चलें। व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, फिजिकल क्लास के लिए आते हैं तो आप लोगों के पास आपके आईडी कार्ड होना जरूरी है, और गेट के ऊपर आप लोगों का नाम एंट्री लिस्ट में है। जस्ट इन केस नहीं होता तो वहाँ पे पैनिक नहीं होना, आप यहाँ पे इनका हेल्पलाइन नंबर अपने पास रखें, बाहर खड़े होकर आप कॉल करें, यहाँ पे एंट्री हो जाए तो वो आपकी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। कोर्स से रिलेटेड कोई भी सवाल आप लोगों का आप लोग पूछ सकते हैं, ऑनलाइन वाले भी और फिजिकल वाले, एनी क्वेश्चन, आपका कोई सवाल, बिल्कुल कंफर्टेबल होके कोई भी सवाल है विदाउट हेजिटेशन पूछ सकते, कोई सवाल नहीं, पक्की बात है, फिर सोच लो, इंटरेस्ट गुम तो नहीं हो गया आज के बाद, पता चले कि इंटरेस्ट ही गुम हो गया। जी नहीं, आप 2 मिनट दो, हाँ जी, आप लोगों में से किसी और का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। अदनान, 6 मंथ कोर्स जो है ना वो हमारा एडवांस कोर्स है, ठीक है, मतलब आप समझ लें लेवल 2, जहाँ पे 16 सेशंस हमने इसको दिए, इस कोर्स को, वहाँ पे एक टूल के 16 सेशंस हैं, और उसके अंदर HTML, CSS और बूटस्ट्रैप एक चीज एडिशनल मॉड्यूल है, और प्रोटोटाइप का भी उसमें एक एडिशनल मॉड्यूल है Adobe XD के अंदर, हम उसको करते हैं। उसकी कोर्स आउटलाइन जो है वो आपको वेबसाइट से भी मिल जाएगी, वहां पे पड़ा हुआ है ब्रोशर, आप उसको देख सकते हैं, और उसके अलावा भी आप कर सकते हैं। जी मैंने अनम्यूट कर दिया, आप लोग अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, यार वो एंट्री तो करवा दें, आपके पास है ऑलरेडी आईडी कार्ड, सुंदस मुश्ताक का, सुंदस मुश्ताक का। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम।
सर मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा लोगो डिज़ाइन करेंगे, लोगो डिज़ाइन में सर 3D लोगो आ जाता है, वो भी करेंगे या जस्ट जो सिंपल लोगो होते हैं? यार मैं लोगो पूरा प्रॉपर इन डिटेल आपको बताऊंगा, तो आपने 3D की सपोर्ट लेनी है, आपने 2D की सपोर्ट लेनी है, सॉफ्टवेयर तो हम 2D यूज कर रहे हैं ठीक है, लेकिन आप 2D में रहते हुए 3D इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं राइट सर, तो वो मैंने गाइड करना है, अब आपकी चॉइस है कि आप उसको 3D में कन्वर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सर दूसरा क्वेश्चन सर, वेबसाइट डिजाइन जो ऐप डिजाइन होती है सर, वो उनका जो UI होता है वो UX सर, वो Adobe XD या Figma में नहीं होती? नहीं देखें, XD और Figma जो है वो प्रोटोटाइप सॉफ्टवेयर है, उसमें सिर्फ आप एनिमेशन की सपोर्ट लेते हैं ठीक है, डिजाइन हम उसको या फोटोशॉप में ज्यादातर कर रहे होते हैं ठीक है, सपोर्ट लेने के लिए। Figma एक अलहदा टूल है, एडोब का जो टूल है दैट इज XD, सेम चीज है, जो XD है वो Figma है ठीक है, लेकिन हम मेनली उसको यूज करने का पर्पस होता है कि हम प्रोटोटाइपिंग, हम क्लाइंट को एनिमेशन बना के दिखाते हैं। ठीक है सर, ठीक है जी सर, ठीक है सर। अगर UI UX डिजाइनिंग करनी हो तो इसके लिए इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप का आना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है सर। इस कोर्स के बाद मैं UI UX डिजाइनिंग का कोर्स कर सकता हूँ या मुझे फुल स्टैक ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स लेना चाहिए? देखो आपका गोल मुझे इसमें आइडेंटिफाई करना है, आपने फुल स्टैक का कोर्स लेना है, फुल स्टैक का कोर्स भी ले सकते हो, वैसे उसकी भी ओरिएंटेशन है 4 सितंबर को सैटरडे को IT टावर में 2 PM to 4 PM ठीक है, लेकिन वो एडवांस कोर्स है ठीक है ठीक है, उसके अंदर आपको HTML CSS और Bootstrap कोड में भी सिखाई जाएगी, फ्रंट एंड वेब डिजाइन जो है ठीक है, और जो सॉफ्टवेयर्स हैं इलस्ट्रेटर फोटोशॉप वो एडवांस लेवल के ऊपर सिखाए जाते हैं, इनडिजाइन भी उसके अंदर एडवांस लेवल है, फिर एडोब XD उसके अंदर है, प्रोटोटाइप उसमें करवाया जाता है कि उसको एनिमेट कैसे करना है आपने, उसके पीछे कोड बेस नहीं होता लेकिन क्लाइंट को डिजाइन के अकॉर्डिंग समझ में आ जाता है कि वो उसने किस तरह से चीजों को लेके चलना है। राइट सर, सर एडवांस कोर्स करने से पहले ये कोर्स करना जरूरी है या वो भी कर सकते हैं ये ना करें? नहीं आप ये डायरेक्ट वो भी कर सकते हो और आप इसको इसके अंदर भी कर सकते हो। राइट सर, थैंक यू सो मच। और किसी का कोई सवाल? किसी का कोई सवाल नहीं है? आप लोगों में से किसी का कोई सवाल? कोई सवाल नहीं? सोच लें। कोई सवाल नहीं है? फोटोशॉप पे हमें सब कुछ मिल जाएगा, डाउनलोड पे तो हम कॉलिंग कोरल और इलस्ट्रेटर वन ऑफ द सेम थिंग, लेकिन कोरल मार्केट में तो एग्जिस्ट कर रहे हैं ना ठीक है, तो एक जनरल अवेयरनेस के लिए कोरल इंटरनेशनल मार्केट में ऑब्सोल्यूट हो गया है, कोरल की कोई एसेट स्पेस नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए करवाया जाता है कि एक जनरल इंटरेक्शन के लिए ठीक है, ताकि आपको पता हो, हम ज्यादा फोकस इलस्ट्रेटर पे ही कर रहे होते हैं, फोटोशॉप का फोकस फोटोशॉप पे ही है, बट कोरल इट्स लाइक खुदा ना खास्ता अगर कभी कोई क्लाइंट आपके पास आता है और वो कहता है कि जी मुझे CDR फाइल चाहिए, तो फिर आप क्या करेंगे ठीक है, तो इसलिए हम उसको फोकस करते हैं, उसका मकसद नहीं है। और कोई चीज? मैंने पूरा लेसन प्लानर बनाया हुआ 16 सेशंस का, वो डेफिनेटली मैं कल आप लोगों को लेसन प्लानर दिखाऊंगा, ये कोर्स आउटलाइन एक अलग चीज होती है, लेसन प्लानर इज समथिंग एल्स। एक चीज ज़हन में रखें कि इट्स अ रोलर कोस्टर राइड, आप जब इलस्ट्रेटर के साथ कंफर्टेबल होना शुरू होंगे या कंफर्टेबल होंगे तो फोटोशॉप शुरू हो जाएगा, और जब फोटोशॉप के साथ कंफर्टेबल होंगे तो कोर्स खत्म हो जाएगा ठीक है, ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोगों के सवाल होना बहुत जरूरी है, और सवाल उसी सूरत में होंगे जब आप यहाँ पे एक्टिव और अटेंटिव बैठे, आप शायद एक दूसरे को जानते नहीं है, लेकिन मैंने शुरू में कहा कि हम एज अ टीम चलेंगे, आप लोगों का आपस में भी इंटरेक्शन है बट विद इन ड्यू लिमिट्स, हमने मेल फीमेल्स में ख्याल रखना है एक ड्यू लिमिट का ठीक है, तो एथिक्स का ख्याल रखना है, हमने ग्रुप में जब इंटरेक्ट करना है तो हमने एथिक्स का ख्याल रखना है, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फ्रीलांसिंग में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है
प्रोफेशनली हमने कम्युनिकेट कैसे करना है। मसला ये है कि हमें शर्म आ जाती है तो इमोजीज में हम आंखों पे हाथ रख लेते हैं, ठीक है। और या बहुत एनर्जेटिक हो, ब्लेसिंग हो, तो हमारे सर के ऊपर ब्लू रिंग बन जाते हैं। दे हेट लैंग्वेज ऑफ इमोजीज, उनको नहीं पसंद। मेरे पास, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्लाइंट आते हैं जिन्होंने ऑर्डर्स कैंसिल किए हुए होते हैं सिर्फ इस वजह से कि वो आपको प्रोफेशनली बिहेव नहीं करना था। व्हाट्सएप ग्रुप जो है सैयद अली हसन, आप ज्वाइन कर सकते हो बाय एनरोलिंग इन दिस कोर्स, ठीक है। तो हमने कम्युनिकेशन का जरूर ख्याल रखना है, ये बात आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। एक हम हर चीज के आगे माय डियर ऐड कर देते हैं, थैंक्स माय डियर, वेलकम माय डियर, ठीक है। तो इस माय डियर से भी जान छुड़ानी है हमने अपनी। और देखिए, मैं एक स्किल सिखा रहा हूँ, कम्युनिकेशन सीखना किसका काम है? आप लोगों का, ठीक है। तो बजाय इसके कि हम जाके ग्राफिक डिजाइन के ट्यूटोरियल्स देखना शुरू कर दें, उसका फायदा नहीं है। वो तो मैं सिखा ही रहा हूँ आपको। आपका मेन पर्पस ये है कि जो सपोर्ट स्किल्स है, सॉफ्ट स्किल्स, कि हमने बिहेव कैसे करना है, हमने चीजों को सपोर्ट। मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोगों के लिए तो इतनी आसानी है, जिन लोगों की कम्युनिकेशन नहीं सही ना, हमने उनकी कही हुई बात को समझना है और अपनी बात को समझाना है। तो हमारे पास अब टूल्स अवेलेबल है जहां से हम ये काम कर सकते हैं। गूगल ट्रांसलेटर है, और वो 80% हम पहले कहते थे, लेकिन अब वो 100% एक्यूरेट ट्रांसलेट करके आपको दे देता है। आप कोई भी आज एक एक्सपेरिमेंट करें, इंग्लिश का कोई पैराग्राफ उठा ले और उसकी एक लाइन उठा ले सर, और इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेटर गूगल पर खोल के उसके अंदर कॉपी करें, वो आपको एग्जैक्ट ट्रांसलेट करके सामने रखते हैं। आप लोगों को लिखने के लिए टूल्स आप लोगों के पास अवेलेबल हैं, तो अपने आप को उस लिहाज से इक्विप करना है। हमारे पास फैसिलिटीज बहुत है। मैं इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स ज्वाइन करने को नहीं कहूंगा, करेंगे तो आपका फायदा है, बट अगेन इन प्रैक्टिस आएंगे तो चीजें चलेंगी ना साथ। तो ये सबसे बड़ा फेलियर होता है लोगों का, उनको काम आता है, स्किल है, कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अपने आप को सेल नहीं करना आता, अपने आप को डिस्प्ले नहीं करना आता। तो इन चीजों के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। और हमने फ्रीलांसिंग सिर्फ ये नहीं है कि अकाउंट कैसे बनाना है, उसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। गिग्स कैसे लगानी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। असल काम क्या है कि हमने डिस्प्ले कैसे करना है, हमने अपने आपको मार्केट कैसे करना है, हमने आपको प्रेजेंट कैसे करना है। That's the essence of your course. वो आपके कोर्स का निचोड़ है। तो आज से अगर आप उसको एम करेंगे, तो आपके पास हफ्ते में एक तो प्रैक्टिस करने को है बहुत कुछ। पावर 4 आवर्स एक फॉर्मूला है, उसको फॉलो करें, जिसमें आपके पास ना व्हाट्सएप हो, ना फेसबुक हो, ना यूट्यूब हो, क्योंकि सबसे पहले ये चीजें ऑन होती हैं जो हमारा सिस्टम ऑन होता है। और यूट्यूब पे एक दुखी गाना लगता है और जिंदगी खराब हो जाती है हमारी, ठीक है। क्या ख्याल है तेरे? अभी इंटर किए, इस दुख अपने लेवल देख लो, आगे क्या होंगे हैं। तो ओवरऑल इन चीजों को आप लोगों ने देखना है। किसी का और कोई सवाल, ताकि हम एंडिंग नोट के ऊपर जाए। फीस जो है अभी आपको पता चल जाती है जी, जो फेसबुक वाली है, ये अभी एडमिनिस्ट्रेशन से आएंगे, वो सारी डिटेल्स भी मेंशन करेंगे और वो आपको सारा कुछ बता देंगे। बाजल नहीं आना है क्लोजिंग के लिए? ये फेसबुक वालों को भी जो है ना साथ साथ रिस्पॉन्ड करने, ठीक है। क्लासेस का शेड्यूल कर जी, वो मैंने कर दिया। बस आपने बस फीस का बताना है आपको। सबसे पहले आप नंबर लिख दें, फेसबुक लाइव पे बैठे हैं उनको नंबर पता चल जाएगा। सामने से जो इनरोल्ड हैं वो जा सकते हैं, ठीक है। सर ने तो वैसे सबको गाइड कर दिया, तो जो जिन्होंने अभी इनरोलमेंट करवानी है वो बैठे रहे, या फिर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आपसे। ऑनलाइन वाले में कोई भी क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो 2 मंथ का कोर्स है, वीक में 2 डेज क्लासेस होंगी और 2 आवर का सेशन है।
18,000 एक्चुअल फीस है, आफ्टर डिस्काउंट फीस की 15,300 है और 2,000 इन्वॉल्वमेंट फी है, 17,300 टोटल फी हो जाएगी, इसके अलावा कोई चार्जेस नहीं है। सर कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है? कल से कोर्स तो आज से स्टार्ट हो गया, कल फर्स्ट क्लास होगी इसकी, 2 to 4:30 PM टाइमिंग है इसकी कल की, आज 2 to 4 है। लॉकडाउन की वजह से हमारा इंस्टीट्यूट बंद नहीं होता, हमारी क्लासेस फिजिकल प्लस ऑनलाइन ही चलती रहती हैं। ठीक है, अब तो उस तरह की सिचुएशन भी नहीं है, ठीक है, जिस तरह फर्स्ट टाइम हुई थी, तो फिर भी हमारी फिजिकल प्लस ऑनलाइन चलती रही है। कुछ टाइम आया था इस तरह ऑनलाइन शिफ्ट हुई थी, वो भी कम अरसे के लिए। आप आ सकते हैं घर में और आकर फिजिकल क्लासेस ले सकते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़, मैं फिर लीव कर रहा हूँ मीटिंग।